17वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण अभी पूरा भी नहीं हुआ कि सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। दरअसल MIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। अख्तरुल ईमान को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की, जिसके बाद सदन में हंगामा सा मच गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा है कि जो लोग हिंदुस्तान शब्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें भारत में रहने का हक नहीं है। प्रमोद कुमार ने कहा कि ये लोग तुष्टीकरण नीति अपनाते हैं, ये लोग भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, उसी का नाम अलगाववाद है। बीजेपी विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिसको हिंदुस्तान की मिट्टी से प्रेम नहीं है वह पाकिस्तान चले जाए। वहीं JDU नेता मदन सहरी ने कहा कि विधायक को हिंदुस्तान बोलना चाहिए था, हिंदुस्तान बोलने में कोई हर्ज नहीं है, वो भारत बोलने पर अड़े हुए थे जबकि उनके भाषण में भारत की जगह हिंदुस्तान लिखा हुआ था। वहीं बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जिन्हें हिंदुस्तान बोलने पर दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं, ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई हक नहीं, ऐसे लोगों को सदन छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसे लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं।